हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितवारी अपनी चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी विषय के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों, जिस प्रकार मेरी ऑनलाइन चैनल है उसी प्रकार मेरी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं। उस बेसिस पे उन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए हैं, तो मैं आपको एक अपने हिसाब से मुझे जो लगता है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। और मेरे अनुमान से 100% हिंदी का जो कट ऑफ रहेगा वो यही रहेगा, इससे ना तो कम होगा ना ज्यादा रहेगा। दोस्तों, यदि आपके मार्क्स कम है मेरे द्वारा बताए हुए कट ऑफ से, तो परेशान ना हो, क्योंकि ये अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मुझे। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, संविदा हिंदी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी मेल फीमेल। दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 110 प्लस आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और फीमेल हो और आपके मार्क्स जो है 105 से 110 के बीच बिलोंग कर रहे हैं, तो मेरे अनुमान से आपका 100% हिंदी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप मेल हो, आपके 105 से 115 के बीच मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 105 प्लस नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी की फीमेल हो और आपके जो नंबर हैं वो 100 से लेके 105 के बीच लगभग आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप मेल हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 100 से लेके 105 तक बिलोंग करते हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और यदि आप एससी कैटेगरी से फीमेल हो और आपके जो मार्क्स आए हैं वो 95 से 100 के बीच आ रहे हैं, तो मेरे अनुमान से आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मेल हो, तो आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो 90 से 95 के बीच आ रहे हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और फीमेल हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 85 से 90 के बीच बिलोंग कर रहे हैं, तो इन माई ओपिनियन आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की हो सकता है मार्क्स थोड़े बहुत कम हो, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। सारे सब्जेक्टों की पेपर का लेवल एक जैसा नहीं है, तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना हाई कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ, तो ये आप सभी लोगों को भी मालूम होगा कि दूसरे जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स की तुलना में जो हिंदी का पेपर बहुत सिंपल आ रहा है।